स्ट्रिंग्स, यू कैन स्टार्ट विथ टू स्ट्रिंग्स, ओके। कोई सी भी दो चीज़ें ले लें जो स्ट्रेचेबल हों, जैसे कि मैंने ये एक ब्रेड बनाया है जो कॉर स्ट्रैक्स होते हैं उससे, ठीक है। आप कोई सी दो स्ट्रिंग्स ले सकते हैं, कोई सी दो बेल्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये बेल्ट्स हैं, ठीक है, इनसे भी आप ब्रेड बना सकते हैं, या फिर गर्ल्स के लिए आसानी है, ये अपने बालों से ब्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो टू, उसके लिए टू स्ट्रिंग्स चाहिए, उससे भी बन सकते हैं, थ्री से भी बन सकते हैं, फोर से भी, फिफ्टी स्ट्रिंग से भी, हंड्रेड से भी, 1000 से भी, 1,000,000 से भी, इट्स टू मच फॉर यू, ओके। सो लेट्स कम बैक अगेन टू विद जस्ट टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो टू स्ट्रिंग्स से ब्रेड हम क्या बनाए, कैसे बनाएंगे, कोई सी स्ट्रिंग्स या कोई सी रस्सियां या फिर बेल्ट्स, उसमें यह है कि आपके पास दो एंड्स ऊपर होंगे, दो एंड्स नीचे होंगे, ठीक है। तो सिंपल ब्रेड ये होगा जिसमें इनके बीच में कोई भी ट्विस्ट ना हो, ओके। सो दिस इज दिस ब्रेड जिसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं होगा, ओके। सो ये जो ब्रेड है इसको यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है जस्ट टू लाइंस, ओके। सो व्हाट अबाउट दिस ब्रेड, ये कैसे बन सकता है, इसमें हम जो ये वाली स्ट्रिंग है या ये पार्ट है इसको इसके ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। सो कैसे, यहां से ऐसे, सो दिस इज अनदर ब्रेड, बट दिस इज ब्रेड विद वन क्रॉसिंग, इस ब्रेड में कितनी क्रॉसिंग्स हैं, एक क्रॉसिंग है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे, इस तरीके से, इज इट क्लियर, ओके। नाउ व्हाट अबाउट दिस ब्रेड, ये ब्रेड कैसे बनेगा, ये तो अभी हमने बना लिया, ठीक है। कैसे बनाया वो वाला ब्रेड, जस्ट टेक दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो ये जो साइड थी, ये ब्रेड ऊपर थी और जो दूसरी साइड है वो नीचे है, ये हमने यहां पे ड्रॉ किया है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन, इसको कैसे ड्रॉ किया, एनीबॉडी, ऊपर आएगी, यस श्योर, सो लेट्स डू दिस लाइक दिस, सो दिस इज आवर नेक्स्ट ब्रेड, ओके। ये वाला ब्रेड ऐसे बन जाएगा, ओके। अब आप सोचेंगे कि ये ब्रेड कैसे बनेगा, ठीक है। अब यस, सो यू आर राइट, लेकिन अगर मैं इसे ट्राई करूंगा तो ये टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या करना पड़ेगा मुझे, एक दफा और फिर एक दफा और, ठीक है। अब ये करना मुश्किल है, यस, क्योंकि इसके अंदर इतनी स्ट्रेच नहीं है, इसके अंदर स्ट्रेचिंग कम है, ठीक है। सो हमें कोई ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जिसमें ज्यादा स्ट्रेचिंग हो, ठीक है। तो उसको भी जब जोर से हम करेंगे स्ट्रेचेबल, तो ये वाला ब्रेड बन जाएगा, ठीक है। और इसमें कितनी क्रॉसिंग्स होंगी, वन और टू क्रॉसिंग्स, ठीक है। इसमें वन क्रॉसिंग थी ना, इसमें वन क्रॉसिंग थी और इसमें टू क्रॉसिंग्स, और यहां पे इसी तरह आगे चलते चले जाए, यहां पे कितनी क्रॉसिंग्स होंगी, थ्री क्रॉसिंग्स, वन टू थ्री। व्हाट अबाउट आगे, आगे क्या होगा, सो जब हमें मैथमेटिक्स में कोई चीज समझ आ जाती है, फिर हम कहते हैं कि ये इसी तरह ही आगे कंटिन्यू करता चला जाएगा। सो ये थ्री क्रॉसिंग, फोर क्रॉसिंग, फाइव क्रॉसिंग, सिक्स क्रॉसिंग्स, हंड्रेड क्रॉसिंग्स, मिलियंस, बिलियंस, अप टू सो ऑन। तो ये क्या कर रहे हैं हम, वी आर काउंटिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर काउंटिंग विद ब्रेड्स, ओके। अब ये जो ब्रेड है ये क्या है, इसमें कितनी क्रॉसिंग्स थी, इस ब्रेड में जो सिंपल ब्रेड है ये वाला, इसमें कितनी क्रॉसिंग्स है, सो जीरो क्रॉसिंग्स, ठीक है। सो लेट्स रिप्रेजेंट दिस ब्रेड, ये जो ब्रेड है ऐसे जीरो ब्रेड, ठीक है। सो ये क्या है, ये जीरो ब्रेड है क्योंकि इसके अंदर कोई भी क्रॉसिंग नहीं है, ओके। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज ए ब्रेड वन, वी कॉल इट ब्रेड वन, वी कैन कॉल इट ब्रेड वन, ओके। जैसे काउंटिंग होती है क्योंकि इसमें एक एक क्रॉसिंग है, और इस ब्रेड को क्या नाम दे सकते हैं हम, ब्रेड टू, टू क्रॉसिंग्स, एंड वी कैन कॉल दिस ब्रेड थ्री, एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, ए ब्रेड विद फोर क्रॉसिंग्स, ए ब्रेड विद फाइव क्रॉसिंग्स, ए ब्रेड विद सिक्स क्रॉसिंग्स, एंड सेवन, एंड अप टू वेयर, अप टू ट्रिलियंस, इन्फिनिटी। आपने इन्फिनिटी के ऊपर लेक्चर सुना हुआ है, ठीक है। तो यू कैन गो अप टू इन्फिनिटी, ओके। सो व्हाट आर दीज, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर सिंबल्स, ओके। ये सिंबल्स हैं जिनको हम नंबर्स कहते हैं, तो ये भी तो उसी तरह की एक रिप्रेजेंटेशन है ना, ठीक है। सो आप, सो यू कैन डू काउंटिंग विद जस्ट नंबर्स, और यू कैन डू काउंटिंग विद ब्रेड्स, इट्स अप टू यू, एंड दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन, ओके। व्हाट अबाउट हियर, ये तो हम
राइट साइड पे हमने रिप्रेजेंटेशन की ब्रेड्स की, तो इधर क्या है, इस ब्रेड को क्या नाम रखना चाहिए, माइनस वन। ओके नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, इस ब्रेड को हम कह सकते हैं माइनस वन और इसको माइनस टू और इसको माइनस थ्री। अच्छा अब अगर ये माइनस हमने ऐसे लिख दिया है तो अगर वन और माइनस वन किया जाए तो आंसर क्या आता है, वन माइनस वन, टेक एनीथिंग और उसमें से उसी को माइनस कर दो, सो यू गेट जीरो, वन माइनस वन इज जीरो। सो इसका मतलब क्या होगा, ब्रेड्स में क्या मतलब होगा इसका, कि अगर इस ब्रेड को इसके साथ कंबाइन किया जाए, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। दिस ब्रेड, इफ वी एड दिस ब्रेड विद दिस ब्रेड वी गेट जीरो ब्रेड, कैन वी डू दिस। सो इन मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल, इफ वी एड वन विद माइनस वन व्हाट वी गेट, जीरो। ओके नाउ कैन वी डू विद दिस ब्रेड, नाउ वी कैन डू दिस। ओके अब हम इसको, इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, इसके लिए मुझे चार चार आप में से कोई चार लोगों को की जरूरत होगी, ठीक है। सो आप में से कोई चार इधर आ जाए, ठीक है, जो ये एक्टिविटी करना चाहते हैं। ओके आनिया आप, यूर फ्रेंड एंड यू टू गाइस, यू एंड यू कम। ओके ओके सबसे पहले हमने एक्टिविटी क्या करनी है, याद रखिएगा, हमने ये ब्रेड बनाना है, ठीक है, और मेरे ख्याल में फोर मोर पीपल कैन कम, ठीक है, कम फोर, यस कम एनीबॉडी एल्स, टू मोर बॉयज, हाँ आप में से आ जाओ, कोई आ जाओ आप, यू कैन कम, यस यस यू यस कम कम। ओके ओके सो नाउ आई हैव सम बेल्ट्स, जिससे मैं सिंपल किसी चीज से भी आप बना सकते हो, टेक दिस वन, ओके एंड एनी वन ऑफ यू टेक दिस वन, ओके एंड नेक्स्ट टेक दिस वन फ्रॉम हियर, टेक दिस वन, ठीक है, थोड़ा सा उस तरफ हो जाए एनीवे, ठीक है, और थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर सकते हो आप दरमियान में, करीब हो सकते हो, थोड़ा सा करीब हो जाओ ताकि बाकियों को भी जगह मिल जाए, ठीक है। आप भी इसको इसको स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, इट्स अ ब्रेड, लुक एट दिस थिंग, ठीक है, इट्स रिप्रेजेंटेशन कैन बी डिफरेंट, ओके इट कैन बी डिफरेंट, सो इन मैथमेटिक्स वी डोंट फिक्स अवर माइंड विद ओनली वन रिप्रेजेंटेशन, ब्रेड कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ओके, क्योंकि अगर मैं इनको इधर घुमाऊंगा तो फिर ये इस तरह के हो जाएंगे, अगर ये आप नीचे चले जाओ, आप ये ऊपर आ जाएं, तो ये इस तरह का ब्रेड बन जाएगा। ओके नेक्स्ट कम यू टेक दिस वन, दिस ब्रेड यू टेक दिस वन एंड कम हियर, ठीक। सो नाउ एट द मोमेंट हमारे पास टू जीरो ब्रेड्स हैं, क्यों जीरो ब्रेड्स हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी क्रॉसिंग नहीं है। बेहतर होगा आप जरा इधर नीचे आ जाओ, आप इधर नीचे आ जाओ, आप भी थोड़ा सा इस तरफ जस्ट सेंटर, देयर इज अ कैमरा, सो और स्ट्रेच करो थोड़ा सा, आप भी इस तरफ आ जाओ, जस्ट कम दिया, और स्ट्रेच करो ताकि कंप्लीट ब्रेड, सो दीज आर टू जीरो ब्रेड्स, ओके, क्योंकि इनके बीच में क्रॉसिंग नहीं है। अब आपने फर्स्ट ब्रेड बनाना है, व्हाट एवर यू लाइक, कैसे बनाओगे, यस गो डाउन एंड यू गो देयर एंड दैट्स दिस वन, सो दिस इज द ब्रेड, दिस वन ब्रेड, बिकॉज दिस इज अ ब्रेड विद वन क्रॉसिंग, ओके नाउ यू मेक अ ब्रेड बट नॉट लाइक दिस, ठीक है, सो आपने ब्रेड इससे डिफरेंट बनाना है, ठीक है, और ऐसा ब्रेड बनाना है कि जब आप दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास जीरो ब्रेड आए, ठीक है। सो नाउ इमेजिन, सो द ट्रिक इज, द एक्टिविटी इज दिस, कि हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है वन प्लस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मीन्स दिस वन ब्रेड इफ यू एड विद माइनस वन ब्रेड वी गेट द जीरो ब्रेड, जिसमें ये क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो अब आप इस तरह करो, कैसे करोगे, ठीक है, सो यू गो डाउन एंड जस्ट कम हियर, आप इनके पैरेलल आ जाओ, जहां जहां ये मूव करते हैं ना इसके पैरेलल आ जाओ, ठीक है। ओके सो नाउ वी हैव टू ब्रेड्स, वन इज वन ब्रेड, लेट्स से दिस वन एंड द अदर वन इज दिस वन, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, आप डिफरेंट वे से भी कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करने का मतलब यह है कि हाउ टू कंबाइन, यस सो अब मैं आपको, सो दिस इज कॉल्ड एडिंग ऑफ ब्रेड्स, आप दो हो, ठीक है, यू कैन कम हियर, ओके नॉट नाउ जस्ट टेलिंग यू, यहां पे आना है आपने, ठीक है, और आपने भी उसी हिसाब से पीछे जाना है, ठीक है, और फिर हम इनको इनको जोड़ देंगे,
इन इन जो जो बेल्ट हैं इनको आपस में कंबाइन करेंगे और फिर जरा स्ट्रेच करके देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है, क्या वो अनटेंगल हो सकता है या नहीं। ठीक है, अभी अनटेंगल नहीं हो सकता, इसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा, लेकिन आई हैव अनदर ट्रिक। ओके, सो यू कम, ऑल ऑफ यू कम हियर बैक, बट जैसे जैसे वो लूज हो रहा है तो उसको स्ट्रेच करते जाओ। सो यू यू कम हियर, सो दिस वन, सो सो यू यू जस्ट हियर 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 ओह इज इट राइट, सो जस्ट स्ट्रेच वन, लेट मी सी, ओके आई थिंक नाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, आपने उनके साथ उनको दे दो, ओके let me show you, now you are out, you are out, you just stay, you just give her, okay, ab apni jagah pe stay rakhna, theek hai, now we are, ab humne dono braids ko combine kar diya, theek hai, okay, so ab agar agar main hum isko stretch kare, kyunki somehow combine karte hue ye dono cheeze aapas mein combine ho gayi hai, theek hai, they are now one, this is just one, okay, ab ye ek belt ban gayi hai, theek hai, तो जब ये एक बेल्ट बन गई है तो इनकी जरूरत नहीं है, आई मीन जस्ट जस्ट ये कंबाइन हो गए, ठीक है, इट्स जस्ट वन लॉन्ग बेल्ट, ओके, और इसी तरीके से ये इधर हो गए, और जब और इनको हम मूव कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि जब हम इनको मजीद स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक वो जो फर्स्ट जीरो ब्रेड है वो बन जाएगा, इज इट क्लियर, ओके, एंड यू कैन डू द अदर वे अराउंड, ओके, एक और डिफरेंट वे से भी कर सकते हो, ओके, लेट्स फिनिश दिस एक्टिविटी, लेट्स फिनिश दिस, ओके, वी आर गोइंग टू डू वन मोर विद दिस, सो व्हाट वी हैव डन, अभी तक हमने क्या किया है, मैं अभी जो इधर हमने एक्टिविटी की है ब्रेड से, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं इन यहां से, क्योंकि व्हेन वी डू मैथमेटिक्स वी डोंट डू ऑल द टाइम दीज एक्सपेरिमेंट्स, ओके, उसके लिए फिर हमें रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ती है ब्रेड से, ठीक है, सो अब इन दोनों को हमने क्या किया था, अभी इस एक्टिविटी में कंबाइन किया था, तो इनको कंबाइन कैसे किया था, कि इसको इसके साथ स्टैक किया था, ठीक है, यू जस्ट स्टैक्ड अंडर दिस वन, और अब इसको अगर मैं उठा के इधर ले आऊं तो ये क्या होगा, दिस वन एंड दिस वन, ओके, और ये जो एक्टिविटी अभी हमने देखी जब हमने इसको स्ट्रेच किया था दोबारा से, ठीक है, तो क्या बन गया था, ये इट वॉज लाइक दिस वन, so this is the addition of braids which we have seen just now. acha ek question ye ho sakta hai ki agar hum isko iske sath attach karte to kya hota, theek hai, ye jo order humne abhi kiya tha addition ka, composition bhi kehte hain ise, isko agar hum change kar dete, inko us taraf le jate to kya hota, to uske liye wahi hai ki aap is wale braid ko yahan pe le aaoge aise aur ye aise, theek hai, aur ab isko jab aap stretch karoge again तो ये अनटेंगल हो जाएगा, बीच में कोई भी चीज स्टक नहीं होगी, तो इसके इसको हम ऐसे भी कहते हैं माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ओके, सो यू डोंट नीड टू मेमोराइज मैथमेटिक्स ऑल द टाइम, यू कैन डू दिस बाय यूजिंग ब्रेड इन योर इमेजिनेशन, ओके, सेम विद दिस वन, इफ यू एड दिस ब्रेड विद दिस वन, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ब्रेड, यू विल अगेन गेट विच ब्रेड, zero braid, why, because we know that 2 plus minus 2 is 0, okay, and you can do the same with this, and you can do this up to infinity, is this